अतिथि इन इन माय हाउस। हेलो हेलो गाइस, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ किया है पूरा रोड जाम का रोड जाम कर दिया भाई। दिव्यांश भाई के लिए स्पेशल टीम ट्रीटमेंट और उनकी टीम के लिए स्पेशल जो ट्रीटमेंट है भैया जाओ यार भैया जाओ ना यार। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि दिव्यांश भाई हमारे शहर में आए तो थोड़ा बहुत घुमाना फिराना, और ट्रेडर कम्युनिटी जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, बहुत मजा आता है, और ट्रेडर्स लोग कैसे हैंग आउट करते हैं, कैसे चिल आउट करते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिव्यांश भाई और वो हमने वीडियो शूट अगर हो चुका है, जो भी आपको कंटेंट बहुत जल्दी मिल जाएगा उनके चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अभी आए हैं तो मैं एक बार उन सभी से आपको मिला देता हूं, क्योंकि मेरे स्टूडियो पर आ चुके हैं सभी। तो आ तो कब गए थे, लेकिन यहां पर चल रही थी काफी सारी चीजें, तो सभी लोग आ गए हैं और इनका प्लान है एक्सप्लोर करने का, पहाड़ों को एक्सप्लोर करने, तो पहाड़ पे आज इनको लेके जा रहे हैं। चल के देखेंगे कि ऐसा रोड कहाँ है जहाँ रेस हो सके, क्योंकि पहाड़ पे बहुत रिस्क है। हाँ, पहाड़ पे तो रिस्क है, बट देखते हैं हम, रेस वेस तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको तड़कता भड़कता देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नहीं हुआ होगा कभी, ट्रेडिंग कम्युनिटी में कभी नहीं हुआ होगा, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी और वो हम करेंगे, मजा आएगा लोगों को, बहुत मजा आने वाला है। देखा भाई, मैं पुनीत सुपर स्टार से मैं एक चीज सीखा हूँ, है ना, करते जाओ करते। वो बंदा स्टार्टिंग से बोलता था, बोला था ना, अभी क्या कहता है फेमस होके दिखाऊंगा। बंदे ने क्या क्या नहीं किया, कितनी रीले बनाए यार, एक एक दिन की। और देखो इसे जाता था पानी में, इसे करता था ये, देखो ये है, ये हमारे नए पुनीत सुपर स्टार, ये हमारे नए लॉर्ड अतिथि अतिथि देव इन हाउस का, अतिथि इन माय हाउस। हेलो हेलो गाइस, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चले क्या भैया? यार सीरियसली लोग रात में रहते, इतना मजा आता, बात बात करते मस्त, हम सो गए भैया, 38:50-24 कर रहा सो गए थे भैया। टीपी बताया जा रहा है गाइस, कोई पिया? सब पी गए, खत्म। लोग अच्छी हैं? बेकार नहीं, अच्छी कहा भाई। सुना आपने अतिथियों से अपने चाय बनवाई है? बिल्कुल बनवाई, हम ना छोड़ते, हम ना छोड़ते, नहीं चौल बे। तो गाइस तो भैया चाय चाय बनवाई गई है, और चाय चाय टेस्ट करूंगा मैं, पहले नहीं टेस्ट कर रहा हूँ ना, चेक कर रहा हूँ रिएक्शन, रिएक्शन रिएक्शन वीडियो कैसी थी भाई। वो बनाया है लड़के होने के बावजूद, लड़के होने के बावजूद चाय बना दी और बन भी गई, और बन भी गई और ठीक ठाक बन गई। कौन बनाया? गोलू दादा को 20 रुपए दोगे? रास्ते में जाना है वापस घर। गोलू इनका खौफ है यार, भैया जिसको इलीगल कामों से डील करना हो बताओ, LLB है, LLB भैया डिस्प्रेशन में हो, बताइए क्या राज है? बैग अरे ईयर बैग लगा है एक साल पीछे, तो भाई चाय टेस्ट कर लिए और हमने फर्स्ट क्लास अतिथियों का जो सम्मान किया है आज, चाय और चाय जिनसे बनवाई है आपके सामने खड़े हैं भाई, ऐसा ही होता है लड़कों के साथ, ऐसे ही होता है, हम लड़के हैं साहब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो भाई यहाँ पे कुछ किया है पूरा रोड जाम का रोड जाम कर दिया भाई तो पूरा रोड जाम करके बैठे हैं भाई, ये भैया एक साइड से चलेंगे गाड़ी, दूसरी साइड नहीं चलेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे हम जा रहे हैं रामनगर की तरफ, और जो यहाँ पे व्यू है बहुत जबरदस्त है, जंगलों जंगलों का व्यू। तो अभी रामनगर पहुंचेंगे रिजॉर्ट पे, वहाँ करते हैं खाना पीना, फोटो शूट। तो दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं रामनगर की तरफ, और रामनगर पहुँचने वाले हमें टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 40 मिनट, और जो हमारे साथ बैठे हैवी ड्राइवर है, कुछ कट पे कट कुछ हैवी ड्राइवर हैं भाई, बहुत साधारण सी गाड़ी चला रहा हूँ, लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं जो बैठा है उसे पता चल रहा है ना
भाई साधारण सामने दिखा दीजिए आज, अभी तो नहीं आप देवान देवान भाई तो आदि है, उन्हें पता है यहाँ कैसे चलती है, लेकिन हम नहीं है फुल भरोसा है। और चुनो निकल गई यार ये भाई मेरे तो दोस्तों रिएक्शन ले लेता हूँ भाई, क्या खतरनाक भाई बता क्या है भाई साहब, माँ कसम बता रहा हूँ जो गाड़ी भाई आज से पहले तो मैं ऐसे कभी कढ़ाई नहीं ना कभी चलाई। एक ब्लॉक बना भाई, इधर देखो कैमरा दिखाओ। हां बोलो यार क्या जबरदस्त, लेकिन भाई आप नज़ारे ले लो सामने से, बहुत काफी जबरदस्त प्यारा लोकेशन देखो बादलों का। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके के यहाँ पे रेस्टोरेंट थे, और यहाँ हमें खाना नहीं मिला है, इस रेस्टोरेंट में बिल्कुल मत आना कौन सा रिजोर्ट है नाम बताओ नो प्रमोशन डिमोशन अच्छा अच्छा मैं बता दिए तो ठीक है, जगह बता दी तो पक्का आना, रहने के लिए आना खाने के लिए नहीं आना भाई, पूरा फील लिया जा रहा है फॉर्च्यूनर का यार। और सामने देखो ऑफ रोडिंग, पूरी प्रॉपर ऑफ रोडिंग मिल रही है। दिनेश भाई ने आज नागिन को देखा है फॉर्च्यूनर बनते हुए, फॉर्च्यूनर को नागिन बनते हुए सही होता, सांप बनी थी भाई ये ऐसे मैं कहता भाई चलो नागिन तो नहीं लेकिन गाड़ी ऐसे जा रही है, नागिन तो नहीं लेकिन छोटा मोटा सांप तो हैरियर ही बन चुका था। अरे भाई भाई क्या जबरदस्त फीलिंग। और भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं तो भाई बैठा ही था इसमें नागिन में, कभी पहले कभी किया है? और नहीं भाई नहीं। दिनेश भाई आपने फर्स्ट टाइम मजा है, लेकिन जिंदगी भर याद रहेगा। मैं तो नागिन के अंदर ही बैठा था कैसा? ये अभी आया ही था तुमने खत्म कर दिया भैया, पेट का सवाल, पापी पेट का सवाल सब भाई बहुत अच्छा गायब हो गया आते ही। तो दोस्तों ये है रामनगर में क्या बोलते हैं उसको, नहीं स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट दिव्यांश भाई के लिए स्पेशल टीम ट्रीटमेंट, और उनकी टीम के लिए स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो फाइनली हमें यहाँ आके मिला है। बहुत जगह टूटा, बड़े बड़े रिजॉर्ट में हम गए, लेकिन वहाँ हमें वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला जो यहाँ मिला है। अंदर ही नहीं जाने उन्हें लौंडे देख लिया ना कुछ ऐसे ऐसे लौंडे देख लिए तो भैया इस स्पेशल ट्रीटमेंट का आनंद लिया जा चुका है, अभी इनका द्वारा इनके द्वारा लेना जाना लिया जाना अभी बाकी है। तो दोस्तों दिवांश भाई को हम ले आए हैं व्हाइट ऑर्चिड, और हम रामनगर कॉर्बेट पंजी कहाँ कहाँ इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट में जाके आगे भाई कुछ नहीं मिला खाने, आके तो हमें वही मिला जहाँ हमने याद होगा आपको ये जगह, ये वही जगह है जहाँ हमने पहला मीटअप करवाया था, हल्द्वानी मीटअप व्हाइट ऑर्चिड वाले में, इसकी छत पे हम खड़े हैं, यहीं पे कुछ बढ़िया मंगाते हैं, यहीं पे कुछ इंटीरियर बहुत सही है इसका, इसकी हमने कुर्सियां अंदर को सब साइड करके बीच में एक खड़ा हो गया, मैंने किया था उस वाले बीच में नहीं उसका रील वाला होगा, रील दिखाता हूँ तुम्हें। अभी जो है दिनेश भाई का कैमरा हाईजैक हो चुका है, भाई को हमने फॉर्च्यूनर की टेस्ट ड्राइव दी और भाई ने बोला है कि जल्द हम लेजेंडर ले रहे हैं, आ रही है ना पक्का, एक इसी के बगल में अगली बार हम आएंगे तो इधर लेजेंडर खड़ी जाएगी कुछ बढ़िया। दिनेश भाई ने फॉर्च्यूनर ऐसी 150 मंगाई है, उसका ब्लॉग नहीं दिखाएंगे, रिकॉर्ड नहीं हुआ है? नहीं रिकॉर्ड हुआ है बट वो दिखाएंगे, धोती नहीं खोलनी है मेरी तरफ, कैमरा मत करना नहीं तो मैं और सिखाने वाले ये ठीक 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 है, ये इनकी वजह से हुआ, सिखाने वाले ये है। ये दिनेश भाई को बता रहे थे जब ओवरटेक करो एक गियर पीछे सो इज रॉक नहीं ड्रॉप द क्या था ड्रॉप द गियर एक गियर पीछे सारा जिला पीछे नहीं 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 एक गियर नीचे सारा जिला पीछे। फॉर्च्यूनर चला के कैसा लगा भाई? फॉर्च्यूनर चला के तो भाई फील आया ना, क्या बात करे, मतलब एक होता है हम बैगनार से जैगवार में बैठे, अरे भाई जैगवार से फॉर्च्यूनर में बैठे, अब फॉर्च्यूनर से लेजेंडर में बैठे, लेजेंडर वाले में आपको कह रहे हैं ये नहीं छोड़ दो गोलू दादा की ड्राइविंग टीचर, तुम छोड़ दो भाई ये गोलू दादा
आपको गोलू दादा की ड्राइविंग कैसी लगी? भाई साहब मैं जिंदगी में पहली बार मेरी फटी थी दिनेश भाई आने के लिए। मैंने ट्रेडिंग में लॉस जितना हो मेरा पैसा डॉ उस वक्त नहीं फटी थी भाई मेरी, उसमें मैंने कहा कल लूंगा, लेकिन मैं उसने कहता भाई आज एक बार डेस्टिनेशन पहुंच जाए, आने के बाद गाड़ी मैं पकड़ूंगा, इन्हें पकड़ूंगा पीछे पीछे रहो तुम ना। और हुआ भी भाई, उधर से आते टाइम गाड़ी हाथ में गाड़ी छीन ली। दिनेश भाई बोल भी रहे थे आज मैंने खींच के गाड़ी चलाई है पहली बार, मजा आएगा फुल थ्रिल हुआ। मैं तो यहाँ भाई को रोक रहा था हल्द्वानी में रुको, लेकिन इन्हें बहुत सारा काम करवाना है, इन्हें मंडे को लाइव भी करते हैं भाई, अब चैनल पर जाओगे तो लाइव इनको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम निकलते हैं बर्थडे पे आपके, फिर कुछ प्लान करेंगे। दिनेश भाई का बर्थडे आ रहा था, बर्थडे अनाउंस करेंगे साथ में। बर्थडे पे अपने ऑडियंस के लिए हम फ्री कोर्स है जो अपना लॉन्च कर रहे हैं सभी के लिए, तो भाई आप लोग इतना प्यार बरसाते हो, सपोर्ट करते हो, तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मेरी तरफ से बनता है, मेरी तरफ से मेरा बर्थडे गिफ्ट आपके लिए। तो वीडियो आपका इंट्रो वीडियो जल्दी आउट हो जाएगा। बाकी भाई बहुत, का, बहुत अच्छा भाई आए थे आज हमारे मेरे स्टूडियो पे, छोटे से स्टूडियो, तो भाई ने स्टूडियो बहुत बड़ा था और जो सेटअप था वो और बहुत, तो भाई ने एक शूट किया है स्टूडियो टूर, भाई करते रहते हैं। तो आप जाएंगे जिस दिन आउट हो जाएगा, आप जाके इनके चैनल पर जाके प्यार बरसाइए दबा के, और बताइए कैसा लगेगा आपको स्टूडियो टूर। मैंने कुछ अपना रिलेटेड टू द माइंड सेट साइकोलॉजी उसमें शेयर किया, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपको पता चलना चाहिए। तो हमारा संडे सैटरडे ब्लॉग हो गया, चलती रहती मस्ती। जो कल का ब्लॉग में आप बहुत सारे लोगों ने मेरे टैब के अंदर कुछ देखा था, उसको राउंड करके मेरे को भेजा, भाई क्या देख रहे हो? अरे यार गाने हैं वो गाने हैं, वो मैंने पॉज किया था गाना तब। और हम ट्रेड रहे भाई 20-22 साल के, तो हम ऐसे ही गाने सुनते हैं, मतलब जिसमें फुल वो रॉक मजा है। हाँ तो मैं आपको एक बार आपको गाना भी सुना देता हूँ उसमें, लेकिन क्या कॉपीराइट आया था, तो आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, वो नहीं था, वो ऐसा नहीं। बाय 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 नहीं भैया जाओ यार भैया जाओ ना यार जा नहीं रहे यार जा नहीं रहे जाओ ना भैया तुम उस वाला नहीं बाय ब्रो बाय चलो ठीक है बाय बाय टाटा टेक केयर चलो बाय ब्रो जा दो ना यार जा रहे ना जा दो ना जा रहे ऐसे भगाओगे भैया अतिथियों से चाय बनाते हो ऐसे भगाते हो भैया ऐसे करोगे देख लो भैया जनता देख लो ऐसे भगा रहे बाय 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 बाय। तो दोस्तों फाइनली दिवांश भाई हमारे शहर में आए थे और हमने काफी हमने सोचा था कि यार भाई कुछ एक्सप्लोर कराएंगे कुछ कराएंगे, नहीं रामनगर ले जाएंगे और वहाँ पर कुछ रिजॉर्ट में कराएंगे। भाई जिस रिजॉर्ट में गए उस रिजॉर्ट ने हमारा काफिला देख के ना कह दिया भाई नहीं ना ना भैया हमें माफ कर दो, हम आपको अंदर ले नहीं पाएंगे, हमें आपको एंट्री नहीं दे पाएंगे, हमें डर लगा आप पक्का कुछ गड़बड़ करोगे, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि फुल थे, तो इस वजह से हम आप पूरा दिन घूमते रहे ऐसे। लेकिन ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस लिया भाई आज बहुत जबरदस्त भाई, बहुत ही जबरदस्त, मैं आपको बता ही नहीं सकता, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम, और मेरी गाड़ी तो जो आज खुली है ना, मतलब जो इसका इंजन आज खुला है भाई, धुआं छोड़ दिया गाड़ी ने आज पहली बार, मतलब मजा आया। तो क्या बोलते हैं देवांश भाई के साथ कुछ हैवी ड्राइवर थे है ना हमारे गोलू भैया, तो काफी बढ़िया रहा, मतलब मजा आया। और देवांश भाई हमारे इधर आए थे शहर में आए थे, हल्द्वानी आए थे, नैनीताल आए थे, तो आपको मैंने बताया था। तो हमारे शहर में हम एक ट्रेडर है, तो अपने को एक कम्युनिटी हमेशा अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में हर एक ट्रेडर को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, सीनियर ट्रेडर जो भी हमारे, ठीक है। तो देवांश भाई भी एक सीनियर ट्रेडर ही हैं, तो काफी मजा आया और काफी चीजों से सीखने को मिला, और मैं हर किसी से सीखता रहता हूँ, ठीक है। और काफी मजा आया, मतलब बहुत जबरदस्त दिन था आज, लेकिन जो आज एक्सपीरियंस किया भाई, अपन का एज ग्रुप का जब कोई लोग मिलते हैं ना, तो बातें फिर अपन की वैसी होती हैं कि यार हमारे एज ग्रुप का बंदा हमारे जैसा ही है, तो एक वाला फील आता है कि हाँ यार लॉन्डो वाला फील, तो कई जबरदस्त मतलब भौकाल मचाए है ना, और काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो देवांश भाई को हमने उनको जाना था, तो हमने उनको बाय बाय कर दिया क्योंकि उन्हें जाना था, तो लेट उन्हें बहुत काम भी करवाने कल, तो वरना मैं ही रुकवा स्टे करवा रहा था, कल और भी जगह ले जाता, लेकिन फिर काम भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रेडर के लिए, सैटरडे संडे एक दो दिन ऑफ मिलते हैं उसकी क्या वैल्यू होती है हमें पता है, तो इसलिए हमने देवांश भाई को हमारे शहर से बाय बाय मतलब विदाई दी है, और बहुत जल्द आने वाले, बहुत जल्द वो अपन एक प्लान करने ट्रिप,
तो आपको काफी मजा आएगा व्लॉग में और काफी जबरदस्त भाई है ना। तो ट्रेडर कैसे किस तरीके से एक तरीके से मतलब किस तरीके से हैंग आउट करते हैं आपको ट्रिप में पता चलेगा। तो यही था मेरा आज का व्लॉग और आई होप आपको अपना जो एक वीकेंड व्लॉग था, वीकेंड एंजॉयमेंट था, वीकेंड हैंग आउट देवांश भाई के साथ पसंद आया होगा। और जो कुछ एक्सपेक्टेड था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे बट मौसम और वहाँ की लोकेशन वहाँ के लिए हम नहीं थे इसलिए हम वो चीजें कर नहीं पाए। मजा आया कुल मिला के भाई। थैंक यू देवांश भाई, आपने एक काफी जबरदस्त हम वीकेंड हमारा बनाया, काफी जबरदस्त आपके साथ एक्सपीरियंस और आपकी जो टीम है जो लोग थे आपके साथ भाई नेक्स्ट लेवल में मजा आया मतलब। और आई होप हम दोबारा मिलते रहेंगे और वैसे तो हम मिलेंगे रोज डिस्कस करेंगे अब चीजें। तो देवांश भाई ने बहुत सारी चीजें मेरे को सिखाई, बहुत सारी चीजें मुझे बताई तो काफी बढ़िया लगा है ना। और ट्रेडिंग से रिलेटेड और बाकी और सारी अदर करिकुलम एक्टिविटीज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखी जो मुझे पता नहीं थी, उन्होंने मेरे को डिस्कस किया तो मुझे काफी चीजें पता चली हैं कि हम क्या क्या नए अपने लिए अपने ट्रेडिंग में क्या क्या चीज इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा और मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। बाकी मेरा लर्निंग वीडियोस का 9 जुलाई को बर्थडे के दिन आउट हो जाएगा तो आई होप आप सभी आएंगे सीखेंगे। ठीक है, जिसे आता है ठीक है, जिसे नहीं आता है वो उनके लिए है परफेक्ट कि यार वो सीख के करे काम। तो मेरा एक इनिशिएटिव है आप सभी लोगों के लिए। बाकी यही था मेरा आज का ब्लॉग। बाकी आपको ट्रेडिंग करना है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बट सीखे बिना बिल्कुल मत करना। बाकी ऐप डाउनलोड करके रख दीजिए और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी बटन को जरूर दबा दो। नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाओ, हमारा 300 के सब्सक्राइबर सुन होनेंगे और 300-400 के अगर हमारा सब्सक्राइबर बेस जाता है तो अपन एक ग्रैंड कुछ प्लान करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।